गोटे सत्यनारायण पाला गोटे अनुष्ठान गोटे मणिजंगारे सीटा नुआ कर आरंभ हम ये सेवक उद्घाटन करलिया पूरी जीव बस बसली भिड़े एत भिड़ पूरा मानने अणनिश्वास कई जन बाबू बहु समय पर मतलब चिन्हिले कह बाबा ये बसतु आसत कहीं ना ना आम चल जा पूरी रे ओल्ल आग बायाबू पूरी रे आपण सहित स्नान पूर्णिमा दिन शेष दर्शन हम ये कथाटा को मु स्वप्न जदि पाई से भाषाटा को मु भल भाव गवेषणा कर प्रकृति में कौन ओल्ल पड़ी जड़े बलभद्र बाबू बोली सी आज देहत्याग कले से अत्यंत बाया प्रेमी एवं बलिया को बहुत भल पाते से गेट पाखे देखु देखु अभिवादन जनइले कह बाबा कहने कह बाया दर्शन को टे आई मुझे रही पारि नहीं पलि आउ जगन्नाथ दर्शन टे करी आया बटे विश्राम को गले ना कौन ना हाँ बाया विश्राम को जाते हेटी कौन बाहर जा हाँ मो भाग्यटा भल आपण गोटे बाहर तापर मो बाया दर्शन को जोबले गली बाया गोटे कला चषमा मड़ई गुरु गंभीर माँ बसी मत गोटे चेयर देखे मुसली बाबा कौन कला चषमा लगे मो आखिटा बाया खराब हो ना आजिकल सब दिन में भी रात पिलागुड़ाक कला चषमा बनाऊँ तेनाली अनुमोदित कले हाउ ये हास्यरस है तापरे मोर मनरे केवल आसुथाए के समयटा आसव बायाठ विदा नहीं जगन्नाथ को दर्शन कर तीर्तल जी तीर्तल पाला अनुष्ठान उद्घाटन कर पुण्यमाड़ जी ये गुड़ाक प्रोग्राम से गाड़ी फाड़ी भी कि ना बस रु बस एम कथा बाया कहले प्रसाद पाइबे जातु किंतु मोर बाया पाखे बसिले मु प्रसाद पाइबा भूली जाए मुझे गीत लिखी थी बोलदेली तुमरी प्रसाद सबुरी प्रसाद तुम पर थारू सर्व पूरी परिजन सबुठारे भावे प्रति हांडी गो कैबल्य सबु स्थान गो अपूरी प्रसाद तुमरी प्रसाद तुम पर टे पांडित्य नुहे भावरे कही पकेली बाबा सबुरी प्रसाद तुमरी प्रसाद प्रसाद कहले दया ये दया है आपरे बैठा प्रसाद कौन पाई से गुरु गंभीर भाव में कही उठिले महाराज को उत्तर अच्छी सांगे सांगे मो पाटर भारी आसला मु दांडर भिकारी भली भावे मु महाराज बोली भावे ना बाया जदि आज मत महाराज कला मुझे भिकारी हेबी नहीं मु महाराज भलिया ही जीवन जापन कर गुरु एक कथा पदक शुणी बाबा कथा पदक शुणी मुझे बसी थाए कि मनटी थाए जगन्नाथ दर्शन करी पी मणिजंगा जीवि पुणी नेमाड़ आस कथा मन भर थाए सांकेतिक भाषा बाबा कौन
ताको मनुगमन बोधे जगन्नाथ आसी नथिबे आउ का देखेकिर कहुथाले से भाषा को मु बुझी पारे ठाकुर आसी नांती कारण बाया सर्वज्ञाता एकदम कन्फर्म सबुदिने यही ओडिशा मटर से महामानव मान जन्म होते आम चिन्ह पारू ना ठाकुर अभिराम बाया बाबा इत्यादि अच्छा जितेबाला कहले ठाकुर आसवेणी रे मत कह आउ का कहले से जान ली जे ठाकुर आसिले बाहर आबुद कहती आप कौ दिन आसवे से दिन आ बसी भितर जड़े कई पचारे कहले बाबा ठाकुर हरिदास उत्सव कौटी हम हुए सेमती हुए मुझे जानी कि शुणिली बाबा कौन ठाकुर को पचार जगन्नाथ सी कह जगन्नाथ कथा कहे ना तुम्हें जी व्यस्त हो कि लाभ अच्छी से मोर मन पड़गला से स्वप्नर कथा बाया कहीं कौन तुम्हें जी कथा कौ तो लाभ किसी ना तो बाया कौन बाबा बाया सहित तो मो बलिया साक्षात यहाँ शेष कि यही मानसिक भाराक्रांत तो मानसिकता को नहीं बाया बाबा ठार जो तो गली बाया बाबा आईना आउ के आसवे मु बारंबार जाऊली बारंबार फेरिकी चाहूली जमती मोर जी जमा इच्छा नथिला एमती मानसिक भाराक्रांत जगन्नाथ दर्शन को गला को जगन्नाथ ठीक स्थान बेटे बजीचे आम गोटे सुदर्शन दंड बोली गोटे दंड मो हाथ में थाए जगन्नाथ को चाहिए कहली प्रभु जदि बाया बाबा सहित यहाँ मोर शेष दर्शन होता है तेल मु दर्शन को आस जीवन शेष दर्शन न हो इतनी कही मो आखिर एत लुह चलीगला मुझे कही पारे लुह मोर मन भितर आसला यहीटा ही मोर शेष दर्शन मुझे पुरी रे शेष दर्शन हम तापर से दंडटा को धरिकी एमती कहली जगन्नाथ तुम्हें परा काले नेमाड़ जाओ मुझे नेमाड़ जीवी दंड आसत मुझे नेमाड़े छाड़देवी टे बातरे गोटे जगार रहा पड़ो तापर नेमाड़े छाड़ी आप कहीं गरुड़ बाहन जीवे यही दंड आसतु यही भाषा मुझे से दंडटी जी ओजन थी आस्ते आस्ते दंडटा ओजन हो गला मुझे नहीं कि जाऊँगी कांधे कांधे पकईकी गली से बस रे गली तीर्तोल मंडावण महापुरुष पाखे दंड टी रखिली दंड टी से ओजन ना उठाए आउ पांच किले कि तीन किले दंडर ओजन गोटे किले हम कि ना कि दी किले हम सी पांच दस किलो ना उठाए मंडावण महापुरुष पकड़े मोर स्नान शौचारि कार्य शेष कर मणिजंगा गली मणिजंगे पाला महोत्सव उद्घाटन करते सौकिया गाड़ी किसी न थाए गोटे आंबासडर गाड़ी टे मिलवा भी कष्ट से गोटे अटो अटो सब नुआ नुआ से बाहर थाए अटो बस नेमाड़ गल एवं ये क्लांत जे मु नेमाड़े पहुँची बोली भाभी पार ना अच्युतानंद महापुरुष आगे गोटे बौल गच अच्छी से बौल गच पाखे दंड को देख कहली प्रभु भक्त भगवान रही मिलन हो आपण आप भक्त पाक जातु मु क्लांत मुझे बाली शोबी क्लांत शरीर रे से दंडटा एत ओजन हो जा आहरी क्लांत हो पड़ता है जेमती कही आप जातु से दंड पुणी पूर्व भली से किलो होजन जहाँ थी मत से लगला ये देह एत क्लांत हो पड़ता है चित्तपोड़ा बाली रे
ଶୋଇକି ରହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲିନି। ମୋ ଚାରିପାଖ ଯାକ ବହୁ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବି। ସେମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କ ସେଠି ଭଜନ ଭଜନ କଲେ, ଏମିତି ବଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଶୋଇଥାଏ। ରାତି ପାହିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କେତୋଟି କଥା ପାଇଛି। ଯିଏ ବାୟା କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି? ସେଦିନ ମହାରାଜ ଉପାଧି ତା ମାନସଗୁରୁ ବାୟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କେବେ ମହାରାଜ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ସୁଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେମାଳ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଯାଇଥିଲା, ଏହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ନେମାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଗଲେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ମୋର ମାନସିକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା। ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତୁ, ବାୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ନ ହଉ, ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ କଥା କହିଲେ ପୁଣି ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋଟାମୋଟି କଥା, ସେଇ ଦର୍ଶନ ହେଲା ମୋର ବାୟା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମୋର ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପାଧି ମହାରାଜ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର, ଉପାଧି ନୁହେଁ ପୁରସ୍କାର, ମହାରାଜ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି, ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଖି